वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्क्रिप्ट का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन खासियत ये होगी कि इस एग्जांपल को हम सूडो फॉर्म में पढ़ेंगे। सूडो फॉर्म में मतलब ये कि इसके जो सीन्स लिखे जाएंगे वो नॉर्मल इंग्लिश में लिखे जाएंगे। अभी हम इसको नॉर्मल इंग्लिश में लिखा रहे हैं, लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम आगे जाके जो एक्शंस होते हैं ना, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी और स्क्रिप्ट के अंदर जो एक्शंस यूज होते हैं, वो एक्शंस पढ़ाने के बाद, एक्शंस वाले वीडियो के बाद आपको दिखेंगे। तो अभी फिलहाल तो आप सूडो फॉर्म वाला सीख लीजिए, उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसके अंदर एक्शन सीख लेंगे, एक्शन सीखने के बाद आपको हम एक्शन के साथ ये रेस्टोरेंट का स्क्रिप्ट एक बार फिर से समझाएंगे। खैर, स्क्रिप्ट की शुरुआत करने से पहले मैं इतना बता दूं कि स्क्रिप्ट बेसिकली लिखी जाती है कुछ इस तरह से टेबलर फॉर्म में। ऐसा एक टेबल बनता है, शायद आप देख पाए इसको, और जैसे ये वीडियो एंड होगा तो इसके बाद आपको पूरा फॉर्म मिलेगा ही। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ। कुछ इस तरह की टेबल होती है, ठीक है, और ये टेबल जो होती है, इस टेबल के अंदर क्या होता है, कंटेंट लिखा जाता है। मतलब एक्चुअल में स्क्रिप्ट का जो पूरा पूरा फ्रेम है ना, वो इस तरह से डिसाइड होता है। अब मैंने पहले से तय कर रखा है कि मेरी स्क्रिप्ट के अंदर कितने सीन्स होंगे, टोटल 4 सीन्स होंगे। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ, ये सब बॉक्स बना दिया मैंने, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। और अब यहां से लिखना चालू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट काय की लिखने जा रहा हूं मैं, रेस्टोरेंट की। उसके बाद उस स्क्रिप्ट का जो ट्रैक है वो भी नीचे लिख देता हूं। स्क्रिप्ट का ट्रैक क्या है, कॉफी शॉप। उसके बाद मैं यहां पे इस स्क्रिप्ट के अंदर यूज होने वाले प्रॉप्स लिखूंगा, तो लिखूंगा नेक्स्ट में प्रॉप्स। अगर आपको कुछ दिखे नहीं इसके अंदर, समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉप्स के अंदर मैं लिखूंगा क्या क्या, टेबल, चेयर्स, मग, प्लेट्स, फूड, जो जो प्रॉप्स आपको याद आ रहे हैं ना, वो सारे लिख सकते हैं आप। मेन्यू कार्ड, और मनी। मनी भी एक प्रॉप में ही आएगा, क्योंकि पैसे से ही आप वो ये सब चीजें ले पाओगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिख दिया। अब इसके बाद आता है रोल्स। रोल्स यहाँ पे कौन कौन है रोल्स प्ले करने वाला। पहला तो कस्टमर, मतलब जो आपका, आप लोग हो गए कस्टमर। उसके बाद आएगा वेटर, मैनेजर और कैशियर। ये 4 तरह के लोग होंगे जो इस स्क्रिप्ट को पूरा करेंगे। अब इसके बाद आता है इसकी एंट्री कंडीशन। यहां पे मैं एक लाइन खींच के इसकी एंट्री कंडीशन लिखता हूं, एंट्री कंडीशन। चलिए, एंट्री कंडीशन क्या क्या है आप बताइए। रेस्टोरेंट में जब आप एंटर होते हैं तो 2 चीजें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा आपको भूख लगी होनी चाहिए। तो पहला है एंट्री कंडीशन क्या है, कस्टमर इज हंग्री, और दूसरा है कस्टमर हैज मनी। 2 चीजें जो है वो फिक्स हैं, कस्टमर जो है वो भूखा होना चाहिए और दूसरा कस्टमर के पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। अच्छा, जैसे आप रेस्टोरेंट में अंदर आ गए, अंदर आने के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहां लिखता हूं मैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट के नाम पे 3 चीजें होंगी यहां पे। पहला, कस्टमर जो है वो हंग्री नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बाहर जा रहा है रेस्टोरेंट से। उसके बाद कस्टमर के पास कम पैसे होंगे, क्योंकि वो ज्यादा पैसे लेके घर से चला था। जैसे मान लीजिए वो 2000 रुपए लेके चला था, तो वो 2000 अगर रेस्टोरेंट में खर्च हो गए उसके, तो 2000 उसके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे, उसकी जेब से माइनस हो जाएंगे। प्लस जो ओनर था जिसके पास 2000 नहीं था, वो 2000 अब उसके पास चले गए। तो ये 3 रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। पहला क्या है रिजल्ट, कस्टमर इज नॉट हंग्री, नॉट
हंग्री। दूसरा क्या है, कस्टमर हैज लेस मनी, कस्टमर हैज लेस मनी। और आखिरी क्या है, ओनर ओनर हैज मोर मनी। अच्छे कॉपी के बड़े सारे पेज पे आप इसको लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मेरे पास इतनी जगह थी, मैंने उसको इतना यूटिलाइज कर लिया। इतना लिखने के बाद आप इस स्क्रिप्ट को आधा खत्म कर चुके हैं। और यहाँ पे आपने एक्चुअल में करा क्या, यहाँ पे आपने एक तरह से ये छह कंपोनेंट लिख दिए। और ये सारे कंपोनेंट लिखने के बाद अगली जो चीज आती है वो आती है सीन नंबर वन। सीन नंबर वन, सीन नंबर वन जो है वो किस चीज को लेके, एंटरिंग एंटरिंग द रेस्टोरेंट, एंटरिंग द रेस्टोरेंट। पहले तो सीन का नाम भी तो होना चाहिए ना कुछ, भाई सीन किसको बिलोंग करता है। अब हम सीन पे बात करते हैं कि सीन कैसा होगा, सीन की सीक्वेंस क्या होगी वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, कस्टमर एंटर्स दी रेस्टोरेंट। सबसे सही बात है, कस्टमर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, रेस्टोरेंट में एंटर करेगा। उसके बाद रेस्टोरेंट में एंटर करने के बाद वो ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, टेबल को। तो नंबर टू पे लिखता हूं मैं, स्कैन्स द टेबल। आप जितनी भी टेबल रखी है उसके अंदर, भाई जाहिर सी बात है हो सकता है कि पूरी भरी हुई भी हो, तो कस्टमर भी क्या करता है, मैनेजर से बोलता है कि भाई कोई सी टेबल मुझे खाली करवा के दो, या कौन सी खाली हो रही है। तो मैनेजर कहता है 10 मिनट रुको, उसके बाद खाली हो रही है वाली टेबल, उस पर जाके बैठ जाना। या ऐसा नहीं होता, वो बहुत सारी टेबल्स अगर खाली रखी हुई होती हैं तो चूजेस द बेस्ट वन, भाई जिसमें एम्बियंस अच्छा होगा वाली टेबल को चूज किया जाएगा। और उसने अपनी आंखों से चूज कर लिया और एक फैसला लिया चौथे नंबर पे, डिसाइड्स टू सिट देयर, डिसाइड्स टू सिट देयर। फैसला ले लिया कि अब तो मैं उसी टेबल पे जाके बैठूंगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे लिखो जाएगा वो वहां पे, गोज देयर। और छठे नंबर पे लिखे जाएगा क्या, ऑक्यूपाइज द सीट, ऑक्यूपाइज द सीट। अभी तक सिर्फ इतना काम हुआ है कि जो कस्टमर था ना वो चला, एंटर हुआ और एंटर आके अभी तक सीट पे बैठा है। और आप देख लें सीन नंबर वन के अंदर मैंने कितनी सारी बातें लिख दी। ये जो बातें लिखी है ना, ये मैं करवाऊंगा आपको एक्शंस के तौर पे। ये छह जो एक्शंस हुए हैं ना, ये छह एक्शन के अंदर मैं जब एक्शंस पढ़ा लूंगा उसके बाद बताऊंगा कि एक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला सीन जो है वो सीन क्या है, फूड ऑर्डर करने वाला। तो सीन नंबर टू, ऑर्डरिंग द फूड, ऑर्डरिंग द फूड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिख नहीं रहा आपको, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के लास्ट में ये न्यूमेरिकल आपको पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिखा हुआ आएगा, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे साथ साथ चलना पड़ेगा, मैं हर न्यूमेरिकल को साथ साथ लेते हुए चलता हूँ। अब ऑर्डरिंग के अंदर कैसे ऑर्डर करता है कस्टमर, पहला कस्टमर कस्टमर आस्क्स फॉर मेन्यू। सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, मेन्यू बुलाता है। नंबर दो पे आता है, वेटर ब्रिंग्स इट, वेटर ब्रिंग्स इट। देखिए आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। अब ये प्रेडिकेट लॉजिक क्या कहता था कि नहीं, वेटर ब्रिंग्स इट क्या मतलब, आप पूरा लिखो ना कि वेटर ब्रिंग्स मेन्यू। लेकिन वेटर ब्रिंग्स इट इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेटमेंट नंबर वन जो है ना वो उसकी इन्फ्लुएंसिंग करवा देगा। अब वेट उसने पहले क्या करा, मेन्यू मांगा, एंड वेटर ब्रिंग्स इट, एंड वेटर ब्रिंग्स इट का मतलब ये कि वो मेन्यू लेके आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन पिछले स्टेटमेंट में थी जिस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया गया स्टेटमेंट नंबर टू के अंदर। खैर अब यहां पे तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, कस्टमर एकदम तो ऑर्डर कर नहीं देगा, ग्लांसेस इट, ग्लांसेस इट मतलब उसको एक निगाह दौड़ाएगा मेन्यू कार्ड पे, उसको क्या खाना है या क्या उसके बजट में, सारी चीजें देखेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, चूजेस व्हाट टू ईट, खाना क्या है, व्हाट टू ईट। और चूज करने के बाद क्या करेगा, पांचवें नंबर पे ऑर्डर्स दैट आइटम। ये देखिए ऑर्डर्स दैट आइटम जो है, ये फिर वही बात कह रहे हैं कि ऑर्डर्स दैट आइटम, विच आइटम आपने मेंशन नहीं किया, नहीं
पांचवें नंबर पे लिखा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी उसने चूज किया होगा ना स्टेटमेंट नंबर फोर में, उसी को ऑर्डर करने की बात कर रहा है। अब बारी आती है सबसे छोटे सीन की, और ये छोटा सीन में क्या होगा, ये छोटा सीन नंबर तीन जो है वो क्या है, ईटिंग द फूड वाला। और इसमें कुछ इतना खास नहीं है, इसमें ईटिंग द फूड जो है, ईटिंग द फूड बहुत ही आसान है। इसमें दो ही बातें हो जाएंगी, पहली बात जो है वो क्या है, वेटर खाना लाएगा, वेटर ब्रिंग्स द फूड, और दूसरे पे क्या होगा, कस्टमर ईट्स इट, कस्टमर ईट्स इट। काफी आसान, काफी सिंपल, और यहां तक आते आते सारा काम हो चुका है। अब बारी आती है सीन नंबर फोर की। सीन नंबर फोर जो है वो क्या है, पेइंग द बिल। सीन नंबर फोर इज पेइंग द बिल। अब बिल पे करना जो है उसमें अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर बिल मांगता है, खाना हो चुका उसका, फिनिश हो चुका, और जितना भी उसे खाना था उसने खाना खा लिया। अब बारी आती है सबसे पहला पॉइंट की, कस्टमर क्या करता है, बिल के लिए आवाज लगाता है। तो लिखा है कस्टमर आस्क्स फॉर द बिल, कस्टमर आस्क फॉर द बिल। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, वेटर ब्रिंग्स इट। देखिए वेटर ब्रिंग्स इट लिखा है, इसका मतलब वही है कि अभी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी है कि वेटर ब्रिंग्स इट व्हाट, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर वन उसकी मदद करेगा। कस्टमर ने मांगा क्या था, बिल मांगा था ना, तो बिल ही लाके देगा उसको, जबकि पिछली बार जब वेटर ब्रिंग्स इट लिखा था तो कस्टमर ने मेन्यू कार्ड मांगा था। तो दोनों बातों में फर्क है, और दोनों का अंदर सीन अलग अलग रखे गए हैं, इसका मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि इसका जो रिलेशन है सीन नंबर वन यहाँ से, ये सीन नंबर टू के स्टेटमेंट नंबर वन से, तो मेन्यू कार्ड लाके देना है, और इसका रिलेशन है यहाँ से सीन नंबर फोर के स्टेटमेंट नंबर वन से, जिसमें बिल लाके देना है। खैर तीसरे नंबर पे क्या होगा, कस्टमर कस्टमर पेज द बिल, सबसे मेन बात इस रेस्टोरेंट की। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा, वेटर जो है जो कैश जो लेके जा रहा है वो किसको दे देगा, कैशियर को। वेटर हैंड्स द कैश टू कैशियर। कस्टमर टिप्स हिम, पांचवें नंबर पे कस्टमर टिप्स हिम एंड लीव्स, कस्टमर टिप्स हिम एंड लीव्स। अब ये जो कस्टमर का जो आपने लास्ट लाइन लिखा वो सीन नंबर फोर का आखिरी पार्ट था, और इसके साथ साथ आप ये भी समझ गए कि ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। आपको लग रहा होगा कि इसको सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते थे, हम अलग अलग भी लिख सकते थे, लेकिन फॉर्मेटिंग ऐसी क्यों करेगा, ये स्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका होता है, स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप पेपर में या किसी भी जगह पे आपको किसी मोमेंट पे अगर स्टेप से आपको स्क्रिप्ट लिखने की आएगी, तो आप अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर मान लीजिए आप वो जो एक्शन में पढ़ाने वाला हूँ अभी, अगर वो आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसे भी इंग्लिश में लिख के आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली काफी टफ हो जाता है। मतलब वैसे तो आपको अभी बहुत आसान लग रहा होगा ये, लेकिन जैसे मैं एक्शंस पढ़ाऊंगा और एक्शंस के साथ इसको लिख के दिखाऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बेहद टफ हो जाता है लिखने के लिए, क्योंकि वो जो 12 एक्शंस है ना वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर हम देखेंगे अगले वीडियोस के अंदर कि वो एक्शंस कैसे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ बने रहे तो शायद वो 12 जो एक्शंस हैं वो भी आपको बिल्कुल रट जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो आप रटें, और उस मैं आप जब मुझसे पढ़ने के बाद जब आप पेपर में जाएं तो ये ऐसे ना लिख के आएं, बल्कि बाकायदा उस एक्शंस का इस्तेमाल रखे आए। तो जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आप एक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, और शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप कर लेंगे इसको। तो खैर ये था हमारा स्क्रिप्ट रेस्टोरेंट की। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका जो ये पूरा मैंने जो लिखा है, शायद आपको राइटिंग समझ में आए ना आए, लेकिन बड़े प्रॉपर तरीके से आपको, बड़े मैनेजेबल तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस रेस्टोरेंट के स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखा जाता है जब पेपर में आते हैं। तो थैंक यू सो मच।